नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज 11। भारत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का झारखंड दौरा कल है। दो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से, तो पहली सभा बरही और दूसरी सभा लातेहार के कुंदरी मैदान में है। बरही में हजारीबाग से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल के लिए सभा करेंगे, वही चतरा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के एन त्रिपाठी के पक्ष में सभा करेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभाओं की तैयारी में प्रदेश कांग्रेस जुटी हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी से बरही में हजारीबाग से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल के लिए सभा करेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। चतरा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के एन त्रिपाठी के पक्ष में सभा करेंगे। और साथ ही साथ बता दें आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभाओं की तैयारी में प्रदेश कांग्रेस इस वक्त जुट गई है। तो कल कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का झारखंड दौरा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल झारखंड दौरे पर रहेंगे और इस बीच में जनता को संबोधित करेंगे, दो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पहली सभा बरही और दूसरी सभा लातेहार के कुंदरी मैदान में आयोजित की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, कल मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, कितने उत्साहित है कांग्रेस और कितनी तैयारी में है प्रदेश कांग्रेस? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का झारखंड में ये पहला चुनावी दौरा है। कल दो संसदीय सीट के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष झारखंड में कांग्रेस को एक नई ऊर्जा देने आ रहे हैं। कल जिस तरीके से जो जानकारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के हवाले से मिली है कि सबसे पहली चुनावी सभा हजारीबाग लोकसभा के बरही में होनी है, जहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वोट मांगेंगे। और उसके बाद चतरा से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं के एन त्रिपाठी, उनके पक्ष में लातेहार विधानसभा के कुंदरी मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा आयोजित की गई है। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस दोनों सभाओं की तैयारियों का जायजा लेने के लिए फिलहाल लातेहार में है। उनके साथ उनके प्रदेश कांग्रेस के कई पदाधिकारियों की मौजूदगी है। और कल खास करके ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि झारखंड में लोकसभा की चार सीटों पर कल वोटिंग होना है, और इस लिहाज से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा इस लोकसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बीते दिनों राहुल गांधी की दो चुनावी सभाएं हुई थी। 7 मई को राहुल गांधी ने चाईबासा और बसिया में चुनावी सभा की थी, और उसी वक्त जो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई थी उसमें 40 नाम आए थे। तो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है और बहुत हद तक इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जब अगले किसी बड़े नेता के कार्यक्रम की कांग्रेस घोषणा करेगी तो उसमें इस बात की संभावनाएं बढ़ गई है कि प्रियंका गांधी भी रांची और धनबाद संसदीय सीट के लिए चुनाव प्रचार करने झारखंड आ सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।